कुछ मोक्षरा एकादशी कब है और किन राशियों पर इसका पड़ेंगे प्रतिकूल प्रभाव? मोक्षदा एकादशी इस बार 23 दिसंबर को पड़ेगा और सभी के लिए, विष्णवानाम शाक्तानाम, विष्णवों के लिए भी और शाक्तों के लिए भी, सर्वेखा सभी के लिए। और इस बार जो है ये मोक्षदा एकादशी जिस रोज पड़ेगा उसमें मेघ राशि वालों के लिए जो है सो अनुकूल है, क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा की ज्योति है, मेघ में चंद्रमा है और बृहस्पति भी मेघ में है, इसलिए मेघ राशि वालों के लिए दाम्पत्य, संतान, भाग्य इत्यादि पुण्य कार्य के में सहभागिता, इस सब अनुसार जो है अनुकूलता प्रदान करेगी। प्रतिकूलता खास करके क्या कहते हैं, वृक्ष राशि वालों के लिए प्रतिकूलता है उस दिन, इसीलिए थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति का ज्योति तो है परंतु वो व्यय भाव में 12वें घर में बैठे हुए हैं, इसीलिए वृक्ष राशि वालों के लिए प्रतिकूल समय रहेगा। उस दिन जो है सो मेघ राशि वालों के लिए शुभकारक है, केवल वृक्ष कन्या और क्या कहते हैं वृश्चिक, ये तीन राशि वालों के लिए जो है सो अशुभत्व है, अशुभ कारक है, इसीलिए तीन राशियों वालों के लिए जो विश्व अथी क्या कहते हैं वृक्ष राशि वालों के लिए दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा सप मार्कंडेय कृत दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और कन्या वाले जो है सो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, तथा वृश्चिक वाले जो हैं सो वाल्मीकि कृत सुंदरकांड का पाठ करें व तुलसी कृत सुंदरकांड का पाठ किया करें, जिससे उनकी स्थितियां अनुकूलता रहेगी। और अन्य जो राशि हैं मिथुन हुआ, कर्क हुआ, सिंह हुआ, तुला हुआ, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये सब राशि वालों के लिए उस दिन का समय जो है सो उत्तम है। 23 तारीख को ही गीता जयंती महोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि केशव द्वादशी को गीता जयंती मनाया जाता है। एकादशी जो है सो शनिवार को 8:03 तक है, उसके बाद द्वादशी पड़ने के कारण केशव द्वादशी इसको कहा गया है, और उसी दिन गीता जयंती मनाया जाता है।